Hello my dear students, my name is Manvinder Jeevan and this video is for class 6th and chapter 2nd. मैं क्लास 6 का चैप्टर 2nd इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ. यह चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन लैब, यह लैब पर बेस्ड है. फिर भी इसके टॉपिक्स को मैं समझा दूंगा और जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं इसके लैब्स करवा दूंगा. ऐसे जहाँ तक मुझे ध्यान है या मेरी याददाश्त कहती है, यह टॉपिक लैब में पहले से कंप्लीटेड है. फिर भी जो नए स्टूडेंट्स होंगे या किसी वजह से किसी स्टूडेंट को कुछ क्लियर नहीं होगा तो इस थ्योरी से उनको ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी. तो मैं इस चैप्टर में चैप्टर 2 शुरू करके ख़त्म भी करूँगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. यह चैप्टर 2 का टॉपिक है टेबल इन MS Word. MS Word में टेबल को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसमें कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रो इंसर्ट करते हैं, कैसे कॉलम और रो को बड़ा या छोटा करते हैं, कैसे मर्ज करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है. इस MS Word में टेबल 2-3 तरीके से क्रिएट हो सकता है. पहला तो आप इंसर्ट टेबल में जाएं और वहाँ पहले से प्री डिफाइंड टेबल्स होते हैं कि आपको उसमें 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए. इस हिसाब से भी उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं. इस वाले ऑप्शन में मैक्सिमम 10 रो और 10 कॉलम का टेबल आप ले सकते हैं, जो बने बनाए फिक्स्ड कॉलम और रो के टेबल्स होते हैं. दूसरा, आप अपने हिसाब से कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए. मैं रो और कॉलम का मतलब सपोज कि नेम, रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है तो नेम, रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 5 कॉलम हो. और रो का मतलब कितने रिकॉर्ड्स डालेंगे, जैसे प्रणव, मिंकल, इस तरीके से और भी रिकॉर्ड, 10 लड़कों के रिकॉर्ड्स. तो हमको चाहिए 5 कॉलम और 10 रो. तो हम वहाँ पर कॉलम में 5 और रो में 5 डालेंगे और इस तरीके से हम उसको इंसर्ट करेंगे. ओके, एक और ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, जिसमें कि आपको इंसर्ट मेनू में ही ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा. आप उस पेंसिल पर क्लिक करेंगे. इसके बाद से आप अपने वर्ड के पेज पर जितनी दूर में वो टेबल ड्रॉ करोगे उतना बड़ा टेबल ड्रॉ हो जाएगा. जितने कॉलम बनाओगे उतने कॉलम बन जाएंगे, जितने रो बनाओगे उतने बन जाएंगे. ओके, तो ये हुआ टेबल को बनाना. अब टेबल में रो इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना. तो अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना है तो हम सबसे टेबल के ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे, जहां हम नेम, रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखते हैं, वहां जाएंगे. तो वहां आपको खड़ी रंग नीचे की ओर का तीर का एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा और आप वहां राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट कॉलम नाम का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक ब्लैंक कॉलम आपको मिल जाएगा. ठीक इसी तरीके से अगर आपको नया रो चाहिए तो रो के लेफ्ट में आप जाएंगे, मतलब टेबल के लेफ्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो वहाँ आपको भी एक छोटा सा तीर दिखाई देगा. वहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और अपना नया रो 1, 2, 3 जितनी मर्जी है ले सकते हैं. इसी तरीके से राइट क्लिक करके ही हम किसी टेबल के रो और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं. इसके बाद मर्ज सेल. सेल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कॉलम और रो मिलता है उस छोटे से सिंगल बॉक्स को हम बोलते हैं सेल. तो अगर हम 3 या 4 सेल को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो मर्ज हो जाएगा, यानी कि चारों सेल एक सेल बन जाएगा. ये भी हो सकता है कि अगर हम एक सेल के 3 और नए टुकड़े करना चाहते हो, 3 और डिवीजन करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट. ओके, तो ये हुआ आपका टेबल बनाना, टेबल में इंसर्ट करना, टेबल में स्प्लिट और ये सब करना. टेबल के और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टेबल में अगर हम फार्मूला चाहते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि उस टेबल में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो एक्सेल की तरह कुछ बेसिक फार्मूला को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को वर्ड एक्सेप्ट करता है. तो इसके लिए इंसर्ट मेनू में ही फार्मूला नाम का कमांड होता है. तो जिस खाली सेल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐड करना है, वहाँ पर आपको जाके फार्मूला पर जाएंगे तो आपको एक आइकॉन दिखाई देगा, उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद
किसके सेल को जोड़ना है, तो इस सेल को जोड़ने के लिए हमको सेल का पता चाहिए। तो आप ये मानेंगे कि जो पहली कॉलम है उसको ए, दूसरी कॉलम बी, तीसरी कॉलम सी, इसी तरीके से जितने भी टेबल में कॉलम है उसको ए बी सी डी के हिसाब से डिवाइड कर, ठीक एक्सेल की तरह, और उसी हिसाब से उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया समझने के लिए तो हमको आपको लैब में बिठा कर आपको उसको डेमो देना पड़ेगा। तो तत्काल ये आपकी जानकारी में रहे कि हम वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये भी बात बता दूँ कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐड कर दिया और इसी बीच अगर आपको याद आया कि नहीं मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी बाद में ऐड कर दूँ, तो आप जाकर एक कॉलम इंसर्ट कर लो, इंसर्ट करने के बाद उसमें कंप्यूटर के मार्क्स डाल दोगे, लेकिन वह मार्क्स ऑटो अपडेट नहीं होगा, तो फिर से जाके आपको वो फॉर्मूला दोबारा देना पड़ेगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑप्शन ऑफ एमएस वर्ड, क्लियर। नाउ इसके बाद इंसर्ट मेनू मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। डिलीट, टेबल को अगर आप डिलीट बटन से डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, और राइट क्लिक क्लिक करने से भी नहीं होगा। इसको आपको टेबल मेनू में आप जैसे ही टेबल को टेबल के सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा बॉक्स जैसा आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर जाके आप उस पर क्लिक करेंगे तो टोटल टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद टेबल वाले मेनू में जाना पड़ेगा और वहाँ आपको कमांड दिखाई देगा डिलीट, और वहाँ डिलीट वाले ऑप्शन में आपको आएगा डिलीट कॉलम, रो, सेल एंड डिलीट टेबल का ऑप्शन, तो आप वहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हैं। ऐसे मैनुअली डिलीट बटन का यूज करके हम टेबल डिलीट नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब टॉपिक है एक छोटा सा कि अगर हम अपने टेबल के कॉलम और रो को जो कि हमको टेबल वर्ड ने बना के दिया रिसाइज करना चाहते हैं, मतलब कि टेबल को हम अपना उसको हम रिसाइज करना चाहते हैं कि कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई कॉलम बड़ा हो जाए बाकी सब सेम रहे, तो कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कॉलम के ठीक लाइन पर अपने माउस को कर्जर को ले जाइए तो वहाँ पर आपको दो एरो आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसका इंडिकेशन ही यही है कि आप इसको अगर लॉन्ग प्रेस यानी कि लगातार क्लिक किए हुए लेफ्ट या राइट अगर ड्रैग करेंगे तो आपका कॉलम छोटा या बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कॉलम छोटा बड़ा करना है तो ठीक लाइन पर अपने माउस के पॉइंटर को ले जाइए, वहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट का एक एरो दिखाई देगा, और अब आपको माउस के बटन को लगातार प्रेस रखना है, दबाए रखना है और लेफ्ट या राइट करेंगे, जिसकी वजह से अब आपका कॉलम आपके मन मुताबिक छोटा या बड़ा हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से रो पर भी अगर आप अपने माउस के पॉइंटर को ले जाएँ तो आप रो को भी ऊँचा या नीचा कर सकते हैं, यानी कि पतला या मोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो दैट इज कॉल्ड रिसाइजिंग योर रो एंड कॉलम। नाउ इसी पर अब टेबल में जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर मतलब जो लाइन है, अगर उस लाइन को हम चाहते हैं कि डबल लाइन का हो जाए, उस बॉर्डर में कुछ कलर फिल हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो यह कमांड आपको टेबल में बॉर्डर नाम, बॉर्डर एंड शेडिंग के नेम से आएगा, जहाँ से आप मन चाहे बॉर्डर को या उसके अंदर भरने वाले कलर को भी यूज कर सकते हैं। तो यह यानी कि टेबल को भी हम रंग बिरंगा बना सकते हैं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। एक और ऑप्शन है, वन मोर ऑप्शन इज देयर, मतलब इस टेबल के फंक्शन में, कि अगर हमने डेटा डाल के रखा हुआ है, तो डेटा डाल के रखा हुआ है तो हमको यहाँ से चीज करनी क्या पड़ेगी कि हमको अगर हम चाहते हैं कि वह डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग हो जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग का मतलब कि ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे मान लो कि अमन है और सुधीर है, तो अमन पहले आना चाहिए कि सुधीर, तो पहले नियम से तो अमन आना चाहिए, तो अगर हम असेंडिंग करेंगे तो अमन पहले आएगा, सुधीर बाद में आएगा, लेकिन अगर डिसेंडिंग करेंगे तो पहले सुधीर आएगा, अमन है। तो इस अकॉर्डिंग करने के लिए टेबल में ही एक और फंक्शन, टेबल में फंक्शन का नाम है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब हुआ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को सॉर्टिंग कर सकते हैं। दैट इज द ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम यूज करके टेबल के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ तो एक एवरेज कॉन्फ़िगरेशन में मैंने टेबल के सारे एस्पेक्ट को कवर किया है कि टेबल बनाना कैसे है तीनों तरीके से,
पहले से डिफाइंड है कि चार 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 रो चार कॉलम का टेबल, पांच रो पांच कॉलम का टेबल अगर आपको फिक्स चाहिए तो वह भी ऑप्शन है। आप अपना नया टेबल अपने हिसाब से कि रो हमको चाहिए पांच, कॉलम चाहिए 10, वो भी बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन बाकायदा पेंसिल से टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर इसके ऑप्शन आता है कि रिसाइज करना। रिसाइज का मतलब कि कॉलम को छोटा बड़ा करना, रो को छोटा बड़ा करना। इसके लिए कोई कमांड की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माउस के पॉइंटर को उसके हेड पर ले जाना है और लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन करेंगे तो आपका रिसाइज हो जाएगा। बॉर्डर और शेडिंग करनी है तो टेबल में बॉर्डर और शोल्डर शेडिंग का ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन के अगेंस्ट में आप टेबल के बॉर्डर्स को डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, डैश लाइन, डॉटेड लाइन आराम से बना सकते हैं। इसके बाद उसमें कोई कलर अपना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। दैट इज अच्छा। टेबल के सेल को मर्ज करना, स्प्लिट करना, मर्ज मतलब चार या पांच या 10 को सेल को एक बनाना, इसको बोलते हैं मर्ज, यानी कि मिक्स कर देना। और स्प्लिट का मतलब कि जो पहले से एक सेल है उसको स्प्लिट करना, उसमें कई और टुकड़े करना। तो ये हुआ स्प्लिट, ये भी ऑप्शन आ गया। टेबल डिलीट करने का ऑप्शन, टेबल के डाटा को आप नॉर्मली सीधे डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टेबल को डिलीट करने के लिए मेनू के कमांड से ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो यह एक ऑप्शन हुआ। आप अपने एक फाइल में मल्टीपल टेबल यूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड में। ये नहीं कि हम एक टेबल बनाए और दूसरा। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने मुझसे टेबल मेल मर्ज के लिए पूरी तरीके से अच्छे से सीखा हुआ है, तो मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है और आपका रिविज़न कर दिया है। हर एक चीज़ कवर है पहले से, और आई थिंक अगर मैं आपके सामने होता तो आप उसको एग्री ही करते। बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर में इस चैप्टर 2 का मैं सारा क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में चैप्टर 2 शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मिस यू वेरी मच। मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।